लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों और मजदूरों को लेकर दूसरी स्पेशल ट्रेन रविवार शाम धनबाद पहुंची। पहले इस ट्रेन में 1300 छात्रों के आने की खबर थी, पर धनबाद समेत 10 जिलों के सिर्फ 956 छात्र और मजदूर ही आए। इस दौरान धनबाद स्टेशन पर जिले के आला अधिकारी और पुलिस मौजूद रही, जिन्होंने छात्रों और मजदूरों का स्वागत किया। स्टेशन पर पहले हर किसी की मेडिकल जांच की गई और फिर गुलाब के फूल देकर बसों में बिठाए गए। बस से इन्हें इनके घर पहुंचाया गया। इस दौरान घर आने की खुशी छात्रों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। छात्रों ने इसके लिए झारखंड सरकार की सराहना की। कैसा महसूस हो रहा है 40 दिन के बाद पहुंच रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। बहुत अटके पड़े थे वहाँ, उस टाइम कोई था भी नहीं, आना जरूरी भी था। ट्रेन में कोई परेशानी कल रात में 9 बजे खुली थी? खाना वाना सब मिलता था टाइम से, पानी मिलता था टाइम से। दिक्कत बस थोड़ी सी सोने वाने की बात है। श्रेय किसको देना चाहेंगे इस जो अभी आप? श्रेय सब कोटा के और यहाँ झारखंड के गवर्नमेंट को जो हमें बुला लिया, और LN को खास कर। वहीं धनबाद के DC अमित कुमार ने बताया कि यहां किसी भी छात्र के परिजनों को आने की इजाजत नहीं दी गई, सब छात्रों को खुद घर पहुंचाया जा रहा है। जो कोटा से छात्र आने थे वो सकुशल धनबाद पहुँच चुके हैं। यहाँ पर सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोगों ने मेडिकल स्क्रीनिंग जो है वो सबका जो है करवा रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो इनके लिए मास्क जो है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और भोजन की व्यवस्था जो की गई है, फूलों से हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। छात्रों को जब हम फूल देकर के उनका झारखंड में स्वागत कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएँ जो है वाहनों की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि ये जाकर के वो अपने अपने जिला मुख्यालय में रिपोर्ट करें और वहाँ पर डिटेल मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ से वो फिर अपने अपने पंचायतों में और अपने अपने घरों में लोग जाएंगे। किसी भी अभिभावक को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी गई। पूरे सकुशल रूप से उनको पहुँचाने का कार्य जो है जिला प्रशासन द्वारा किन किन जिलों के फैक्ट हैं, यहाँ पर जो है 9 शरणार्थी के 4 जिले गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, और 6 जिले जो है वो संथाल पटना है। कुल 10 जिलों के जो है स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर आए और काफ़ी उत्साहित है। आपको बता दें कि कोटा से धनबाद आने वाले छात्रों और मजदूरों के लिए विधायक धनबाद राज सिन्हा और विधायक तुंडी मथुरा प्रसाद महतो भी रेलवे स्टेशन पर बनाए हुए स्वागत कक्ष में उपस्थित रहे। धनबाद से न्यूज के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।